हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड मैं फ्लटर सीरीज वापस से जारी रखता हूँ। और हाँ, जो भी चैनल पे नए हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको फ्लटर के हिंदी रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे टाइम टू टाइम। एंड दीज आर वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स गाइस, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है फ्रॉम जीरो टू हीरो। सो गाइस, जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जस्ट कीप लिसनिंग टू आवर फ्लटर सीरीज एंड कीप ऑन अप्लाइंग व्हाट आई टीच एंड विल बी जो भी नए हो उनके लिए मैं बताता हूँ कि मेरा नाम हर्ष है और मैं एक फ्रीलांस ऐप डेवलपर हूँ, फ्लटर डेवलपर हूँ। और ऑल्सो मैंने काफी सारे क्लाइंट्स के लिए काम किया है और साथ ही साथ मैंने काफी सारे कंपनीज में भी काम किया है। ऑल्सो गाइस, अगर आपको जॉब रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए, यू कैन जस्ट गो एंड फॉलो मी ऑन लिंक्डइन। आई विल गिव द डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं काफी टाइम, मतलब जैसे ही मेरे पास कोई जॉब का क्वेरी आता है, मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ फॉर द रीच। तो आपको अगर कोई मतलब जॉब रिलेटेड अपडेट चाहिए, यू कैन जस्ट गो एंड फॉलो मी। ऑल्सो गाइस, मैं आज के जो मेन वीडियो है उसके अंदर, मैं आज के वीडियो में मेनली एक विजेट है जिसका नाम कंटेनर होता है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे गाइस आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी आप फ्लटर में कुछ भी सीखना चाहते हो ना, सबसे पहले कहीं पे मत जाइए, डॉक्यूमेंटेशन पे आइए। कहाँ पे है? डॉक्यूमेंटेशन पे आइए। अब डॉक्यूमेंटेशन पे क्यों? डॉक्यूमेंटेशन पे गाइस आने से पहले मैं आपको एक ये चीज बताता हूँ। अगर आप वेब डेवलपर हो या फिर आपने कहीं पे वेब डेवलपमेंट किया है ऑलरेडी, तो आपने डेव नाम का एक चीज देखा होगा, डेव। तो डेव क्या करता है वो, उसका एक्चुअली में कुछ खुद का कुछ होता नहीं है। व्हाट इट डज इज, ये एक कवरिंग दे देता है अंदर की चीजों के लिए, ठीक है। सो द सेम थिंग हैपेंस विद कंटेनर। कंटेनर भी काइंड ऑफ डेव जैसा ही है। और गाइस आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, क्योंकि फ्लटर का जो मेन थीम है, वो बेसिकली जो मेन ओरिजिन है उस थीम का, वो वेब डेवलपर्स ही है, ठीक है। तो मतलब काफी सारी चीजें, अगर आपने वेब डेवलपमेंट पहले किया होगा, काफी सारी चीजें आप रिलेट कर पाओगे और काफी सारी चीजें आप एक्चुअली डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आज इसी वीडियो में भी दिखाऊंगा जो कि वेब डेवलपमेंट से काफी ज्यादा रिलेटेड है। सो गाइस जस्ट स्टे कनेक्टेड। अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आप जैसे ही कंटेनर में आप लिटरली आप कैसे भी कुछ भी डाल सकते हो कंटेनर के अंदर, एक टेक्स्ट डाल सकते हो, एक इमेज डाल सकते हो, सेम एज डिव। डिव के अंदर भी आप कुछ भी डाल सकते हो, आपका जो मन है वो डाल सकते हो, सेम एज दैट। तो लेट्स गो टू द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे गाइस आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंटेशन का जो लिंक है ना, वो मैं आपको बिल्कुल दे दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट गो एंड चेक ओवर दैट। ऑल्सो यहाँ पे आपको बताता हूँ, फ्लटर में दो से तीन तरीके के विजेट्स होते हैं, मतलब टाइप्स होते हैं इसमें लेआउट्स के, मतलब मेनली रिलेटेड टू लेआउट्स। यहाँ पे होता क्या है, कोई विजेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक सिंगल चाइल्ड ही डाल सकते हैं, जो आज हम पढ़ने वाले कंटेनर सिंगल चाइल्ड ही यूज कर सकते हैं इसके अंदर। बट कुछ विजेट्स ऐसे भी होते हैं जो कि मल्टीपल चाइल्ड डाल सकते हो, समझो कि आपको पांच इमेजेस एक साथ एक के नीचे या फिर एक के बाजू में डालनी है, सो उसके लिए भी काफी सारे विजेट्स आते हैं। सो विल डिस्कस देम लेटर, अभी हम स्पेसिफिकली कंटेनर के बारे में देखेंगे। सो गाइस यहाँ पे कंटेनर में ना होता क्या है, आप देख लो, यहाँ पे अलाइन है, एस्पेक्ट रेशियो है, बाद में बेस लाइन है, सेंटर है, कॉन्स्टेंट बॉक्स है, कंटेनर, दिस इज कंटेनर। सो कंटेनर को मैं जैसे ही ओपन करता हूँ, लेट इट गेट लोडेड, यहाँ पे लोड होने दीजिए। ओके तो गाइस सबसे पहले तो वीडियो आता है, जरा सा एक डेढ़ मिनट का वीडियो होता है ये, फ्लटर का जो डिस्क्रिप्शन होता है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे गाइस इन्होंने क्या बताया है, लेट्स चेक कि इन्होंने जो बताया है एंड लेट्स डू इट, मतलब देख के करके देखते हैं कि क्या ऐसा ईजी है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। आपको एक आदत तो डालनी पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की गाइस, मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें होती थी, बट मैंने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया एंड फ्लटर का काफी अच्छा है, मतलब आप लिटरली पढ़ के समझ सकते हो, इट्स लाइक अ नॉवल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, अ कंटेनर फर्स्ट सराउंड्स द चाइल्ड विद पैडिंग एंड देन अप्लाइज एडिशनल कंस्ट्रेंट्स टू द पैडेड एक्सटेंट। द कंटेनर इज देन सराउंडेड बाय एडिशनल स्पेसेस डिस्क्राइब्ड बाय मार्जिन। ओके थोड़ा सा हैवी सा लगाना,
ओके गाइस, मैं इसको थोड़ा सा आपको और सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कन्वीनियंस विजेट दैट कंबाइंस कॉमन पोजिशनिंग साइजिंग विजेट. ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि पोजिशनिंग के काम आता है, साइजिंग के काम आता है, आप बड़ा कर सकते हो चीजों को, आप छोटा कर सकते हो चीजों को, लाइक उन सब चीजों के काम आता है ये विजेट. ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ पे एक और चीज दी होगी, यहाँ पे एक और चीज दी होगी, यहाँ पे लिखा है गाइस कि ड्यूरिंग पेंटिंग जो ये क्या बोलते हैं, कंटेनर विद नो चिल्ड्रन, जो कंटेनर के अंदर कोई चिल्ड्रन अगर हम नहीं डालते हैं तो पता क्या होता है, इट ट्राइज टू बिकम एज बिग एज पॉसिबल अनलेस इनकमिंग कंस्ट्रेंट्स आर अनबाउंडेड. मतलब ये बोल रहा है कि अंदर अगर उसके अंदर कोई चाइल्ड ही नहीं है तो वो स्क्रीन में जितना भी एरिया बचा है ना उस पूरी एरिया को घेरने की कोशिश करेगा. सो लेट्स सी इट प्रैक्टिकली कि ऐसा होता भी है या नहीं. एंड लेट्स सी इट, अब मैं आपको मेरे कोड एडिटर एंड स्क्रीन पे लेके जाता हूँ. सो गाइस, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी. लेट मी चेक, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं. ओके ओके, सो आई गेस इट्स विजिबल. यस, आई हैव चेक्ड इट, इट्स विजिबल, दिस वाइट स्क्रीन गाइस. यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो नॉर्मल सा स्कैफोल्ड मैंने पहले वाले वीडियोस में दिखाया हुआ है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक, मतलब आई बटन में फ्लटर नाम का प्लेलिस्ट होगा, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट, तो वहाँ पे काफी सारी चीजें दिख जाएगी. सो कंटेनर है, देखो वाइस, ठीक है, ये कंटेनर है. कंटेनर के अंदर हम एक काम करते हैं, कंटेनर के बाहर ना कोई कलर देते हैं, ठीक है, स्कैफोल्ड कोई कलर देते हैं, कलर का ना बैकग्राउंड कलर COLOR S dot, red दे देते हैं, ठीक है, color dot red दे देते हैं, और इसको कर देते हैं control S, ठीक है, it's getting hot reload. मैंने control S जैसे ही दबाया ना गाइस, मेरा PC में मैं क्योंकि recording होता है थोड़ा सा time लग जाता है kind of जब मैं record कर रहा था, तो it's performing hot reload. Let's get it loaded. Okay, हो गया. So guys, आप देख रहे हो कि मैंने स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर रेड रख दिया है और कंटेनर के अंदर, मतलब कंटेनर उसके अंदर डायरेक्ट चाइल्ड डाला हुआ है, ठीक है. सो गाइस, अब आपको दिखाता हूँ कि मैं कंटेनर क्यों पूरा एरिया लेने की कोशिश करता है, इट्स मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है. अगर मैंने कंटेनर के अंदर अभी तक कोई चाइल्ड डाला नहीं है तो इसका मैं कलर सेट करता हूँ COLOR S.black, ठीक है, मैंने ब्लैक सेट किया और कंट्रोल एस दबा दिया. देखो पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गया गाइस, पूरा का पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गया. इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये, देखो एग्जैक्टली जो यहाँ पे लिखा है, कंटेनर विद नो चिल्ड्रन ट्राई टू बी एज बिग एज पॉसिबल, मतलब जितना एरिया मिल रहा है ना उसको वो वहां पे फैलने की कोशिश करेगा, ठीक है. बट यहाँ पे बताया भी है, दूसरी चीज ये बताई है कि अगर कंटेनर्स विद चिल्ड्रन साइज देमसेल्व्स टू द चिल्ड्रन, मतलब ये भी बताया है साथ साथ में कि जो कंटेनर के पास में चिल्ड्रन होते हैं ना वो अपने चिल्ड्रन की साइज के बन जाते हैं. एग्जैक्ट नॉर्मल इंग्लिश में लिखा होगा यहाँ पे कि कंटेनर जो अपने चिल्ड्रन, मतलब जिनके पास में चिल्ड्रन होते हैं या फिर चाइल्ड होता है, वो अपना मतलब चाइल्ड जितना ले लेता है एरिया. सो टू वेरीफाई दैट हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको एक चाइल्ड देते हैं, ठीक है, हम इसको एक चाइल्ड देते हैं, इसका ब्लैक की जगह आई गेस वाइट रखते हैं, क्योंकि अगर मैंने टेक्स्ट डालना तो टेक्स्ट का भी बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, सो वहां पे दिक्कत आ जाएगा. तो यहाँ पे हम चाइल्ड देते हैं टेक्स्ट, ठीक है, एक टेक्स्ट विजिट देते हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट डालेंगे न्यूटन स्कूल. ओके, मैंने कंट्रोल एस दबा दिया. So guys, you can see, यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूटन स्कूल नाम का एक चीज आ गया, ठीक है, न्यूटन स्कूल नाम का आ गया, which is what is actually, मतलब वही exact same चीज यहाँ पे हमको documentation में दिखाई गई है कि container with children size themselves to their children. पहले क्या था कि ये क्या बोलते हैं, मतलब जब इसका children नहीं था तब ये पूरा फैल गया था, but अब जैसे children मिल गया ये अपने children जैसा हो गया. गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ये मतलब ऐसे कोने में कैसे घुस गया, क्या है, क्या सीन है. तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा सीन नहीं है गाइस, आप क्या कर सकते हो, आप इस कंटेनर के ऊपर एक पेरेंट विजिट बना सकते हो जिसका नाम होता है स्कैफोल्ड गाइस, मतलब स्कैफोल्ड नहीं सॉरी सेफ एरिया. ये फ्लटर ने ऑलरेडी इनबिल्ट रखा है, तो आप गाइस सोच भी रहे होंगे कि आप विजिट कैसे एंटर करोगे, मतलब जो बिगनर्स हैं उनको एक चीज का क्वेरी हमेशा से रहा है, मेरे को भी रहा था कि
जो मतलब वीडियोस में दिखाते हैं कि भाई वो विजेट डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं विदाउट, मतलब यहाँ पे होता क्या गाइज, आपको इसका पेरेंट बनाना है तो आपको एक काम करना पड़ता हमेशा इसको, मतलब आपको कहीं पे कंट्रोल एक्स करना पड़ता और कंट्रोल एक्स करने के बाद में सेफ एरिया बनाओ, एरिया बनाओ, ठीक है, सेफ एरिया बनाने के बाद में एंटर दबाओ, एंटर दबाने के बाद में ये अभी आएगा पता नहीं, ओके इट हैज कम। अब इसके अंदर मेरे को वो पेस्ट करना पड़ता था, ठीक है, और बाद में मैं कंट्रोल एस करूंगा तो इट विल वर्क, ऐसा होता था। मतलब मैं पहले विजिट बनाऊंगा, बाद में उसका चाइल्ड डिसाइड करूंगा, बाद में ये, बाद में वो, बाद में ये, देखो कैसे काम कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ, मैंने पिछले वाले वीडियो में पहले बताया भी था इसका शॉर्टकट, बट मतलब मैं वापस से बताता हूँ ताकि मतलब आपको याद रहे। देखो मैं इसको वापस से कंट्रोल एस दबा देता हूँ ताकि वापस से अंदर चला जाए वहाँ पे, एंड आपको मतलब डेमोन्स्ट्रेशन ईजिली हो जाएगा। सो वॉट यू कैन डू इज, आप अभी मैं VS कोड के अंदर हूँ, सो गाइज दिस इज VS कोड स्पेसिफिक एंड ऑल्सो यू नीड, मतलब जो जो मैंने चीज़ें बताई थी एक्सटेंशन के तौर पे इंस्टॉल करने के लिए, यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल दैम, यू कैन जस्ट चेक द वीडियो इन द प्ले लिस्ट, इट विल बी थर्ड और फोर्थ फॉर द रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन, सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट, एंड वहाँ पे मैंने सारे एक्सटेंशन के बारे में बता रखा है। सो वॉट यू नीड टू डू नाउ इज, यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने कंटेनर के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर आपको पेरेंट डालना है, तो कंट्रोल प्लस डॉट दबाइए, मतलब फुल स्टॉप जो होता है ना उसको क्लिक कर, मतलब उसको प्रेस कर दे, कंट्रोल प्लस डॉट एक साथ में दबाइए, कंट्रोल और डॉट एक साथ में दबाइए, तो इसके बाद में क्या होगा, रैप विद विजेट आता है, तो रैप विद विजेट को एंटर दबा दीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सेफ एरिया लिखना है, क्या लिखना है, सेफ एरिया लिखना है, ठीक है, सेफ एरिया लिखने के बाद में कंट्रोल एस दबा दिया आपने, लो हो गया, हो गया, देखा कितना इजी था, सॉरी सॉरी गाइस, इतना इजी था देखा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आपको एक और चीज गाइस, आपको कुछ चीजें ऐसी बताता हूँ जो कि मतलब काफी इम्पोर्टेंट है, आपको दिखाता हूँ गाइस कि इसके अंदर मतलब आप देख रहे हो, इसके अंदर आप देख रहे हो ये जो न्यूटन स्कूल लिखा हुआ है टेक्स्ट, आप सोच रहे हो कि भाई आपने तो कहा था कि भाई ये पोजिशनिंग के भी काम आता है, आपने तो कहा था भाई कि ये साइजिंग के भी काम आता है, सो हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे करना है वो सब चीजें, तो आप क्या कर सकते हो, जो एक कंटेनर है ना उसके अंदर काफी सारे टाइप्स के एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज और कुछ भी बोल सकते हो आप, एक कलर चाइल्ड ये सब बोल सकते हो एट्रीब्यूट्स या फिर प्रॉपर्टीज है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, अभी आपको इसको ये देना है, व्हाट वी कॉल, इसको हाइट देना है, तो जस्ट हाइट लिख दो, हाइट लिखने के बाद में कोलन लगा दो एंड एक बार के लिए 100 लिख देते हैं, ठीक है गाइस, एक बार के लिए 100 लिख देते हैं, ऑल्सो विड्थ ले लेते हैं, ठीक है, विड्थ भी ले लेते हैं, उसको भी 100 लिख देते हैं, एंड इसके बाद में हम कंट्रोल एस करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या ये साइजिंग के लिए काम आ रहा है, लेट्स सी, लेट्स सी, ये अभी मेरा सिंक हो रहा है, ओके इट्स हैपन, देखो ये 100x100 का बॉक्स बन गया। सो गाइस दिस इज हाउ साइजिंग इज डन यूजिंग कंटेनर्स। यहाँ पे अगर आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ कि आपको समझो आप हाँ आप वेब बैकग्राउंड से आए हो, वेब डेव के बैकग्राउंड से आए हो, इवन आई एम फ्रॉम वेब डेव बैकग्राउंड, तो मुझे लाइक ज्यादा टाइम नहीं लगा था फ्लटर सीखने में, वेब डेव से हो तो आपको एक एडवांटेज है कि आपको काफी सारे टर्मिनोलॉजीज जो है वो इजिली समझ में आ जाएगी, आप पिकअप भी कर लोगे। सो यहाँ पे आप देखोगे मार्जिन आपको सेट करना है, ठीक है, मतलब आपको इस जगह से थोड़ा सा मतलब गैप देना है भाई स्क्रीन के इस साइड आपको बोलना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मार्जिन लिखो, कंटेनर में मार्जिन लिखो, और यहाँ पे एक यूनिट टू टाइप एज एज इंसर्ट्स, यहाँ पे जब भी आपको मार्जिन या फिर मतलब कोई इस तरीके की स्पेसिंग रिलेटेड चीज यूज करनी है तो एज इंसर्ट्स एक उस टाइप का चीज है जो कि आप यूज कर सकते हो उस चीज के लिए। सो एज इंसर्ट्स डॉट, अब यहाँ पे गाइस 4 से 5 चीजें आती है, मैं आपको 2 से 3 चीजें वो बता देता हूँ जो कि आपको मतलब जनरली यूज लगती है, ठीक है, तो ऑल देखते हैं, ऑल में मतलब समझ लो ऑल साइड से पैडिंग देनी है, तो मैं बोलता हूँ भाई मेरे को 20 दे दो हर साइड से, तो मैं कंट्रोल एस दबा देता हूँ, उसके बाद में देखो कैसे शिफ्ट भी हो गया, ऊपर से भी 20 मिल गए, राइट से भी 20 मिल गए, लेफ्ट से भी 20 मिल गए और नीचे से भी 20 मिल गए, तो मतलब चारों जगह से 20 मिल गई है। सो गाइस ये 20 मिलने के बाद में व्हाट हैपेंस इज, आपको अगर आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे तो भाई इस साइड से 10 देनी थी, इस मतलब राइट और लेफ्ट से 10 देनी थी और जो ऊपर और नीचे है वहां से 30 देनी थी,
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देयर समथिंग नोन एज सिमेट्रिक। यहाँ पे आप डॉट तक जाइए वापस से, सिमेट्रिक। हाँ, सिमेट्रिक के अंदर आप क्या कीजिए, वर्टिकल में आपको क्या देने, वर्टिकल मतलब टॉप और, सॉरी गाइस यहाँ पे ब्रैकेट हट गया, वर्टिकल, वर्टिकल में आपका क्या क्या आता है, टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम में अपने 30 डिसाइड किया था, और अपने को राइट और लेफ्ट में, राइट और लेफ्ट के लिए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल 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 में अपने ने क्या डिसाइड किया था, 10। ठीक है, 10 डिसाइड किया था। तो लेट्स कंट्रोल एस इट, मैंने कंट्रोल एस दबा दिया है। अभी यहाँ पे चेंजेस देखेंगे, देखो यहाँ पे सिर्फ 10 है, यहाँ पे भी 10 है, और यहाँ पे 30, यहाँ पे 30। ठीक है, सो गाइस दिस इज हाउ इट हैपेंस, जैसे हम कर सकते हैं। और अगर आप सपोज कर लो कि आपको भाई स्पेसिफिकली सिर्फ इसी साइड से गैप रखना था, बाकी कोई भी साइड से गैप नहीं रखना था, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे बता, यहाँ पे आप लिख सकते हो ओनली, ओनली आपको समझो ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड से ही मार्जिन चाहिए। कितना मार्जिन चाहिए भाई, मेरे को 50 मार्जिन चाहिए। तो आप देखिए थोड़ा और आगे सरक जाएगा, यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं, यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं, यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं है, तो मार्जिन इज जस्ट ओवर हियर। ठीक है, यहीं पे है। ओके, सो आपको आई गेस ये तो चीजें समझ में आई होगी। तो अब मैं आपको दूसरी टर्मिनोलॉजी जो वेब डेवलपर्स को काफी हद तक पता होगी वो है पैडिंग। तो पैडिंग गाइस, आपको अगर आप वेब डेवलपमेंट से हो तो आप जानते ही होंगे कि ये अंदर की साइजिंग, मतलब अंदर की मार्जिन काइंड ऑफ बोल सकते हो। अभी हमने कंटेनर के बाहर की मार्जिन सेट की, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्पेसिंग सेट कर रहे हैं जो कि कंटेनर के अंदर गैप कितना गैप होना चाहिए। सो लेट्स टेक इट एज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ में काफी अच्छे से समझ आता है। तो यहाँ पे भी एज इनसेट से काम आने वाला है, एज इनसेट से काम आने वाला है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ऑल ले लेते हैं, आपको समझ में तो आ गया होगा ये सब, मतलब ऑल, ओनली, सिमेट्रिक, तो आप वो सब चीजें यूज कर सकते हो। ऑल्सो लेट्स सी वॉट हैपन्स वेन मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ। कंट्रोल एस दबाया मैंने, देखो ये अंदर आ गया। ठीक है, ये अंदर से गैप मिल गया इसको, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20। तो आप देख रहे हो स्पेसिंग, अगर आप कंटेनर के अंदर, मतलब अंदर का स्पेसिंग एडजस्ट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा पैडिंग, और अगर आपको बाहर के, बाहर का स्पेसिंग यूज करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा मार्जिन। ठीक है, सो दिस इज वॉट कंटेनर विजेट्स आपको इतना मतलब फंक्शनैलिटी देता है। तो ये सिंगल सिंगल मतलब सिंगल लेआउट से रिलेटेड विजेट था जो कि मैंने आज बताया। ऑल्सो गाइस, आपको अगर ऐसे ही वीडियोस देखते रहने हैं, जस्ट मतलब स्टे ट्यून्ड, एंड आप एक काम कर सकते हो, फ्लटर, अगर आप नए हो तो फ्लटर का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, इस काफी हद तक अच्छा है, एंड मतलब आपको इस टाइप का कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा। ओके गाइस, एंड यू कैन जस्ट मतलब आप मेरे को फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन पे। हाँ, एक और चीज गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत स्पेशल है, जो जो नए है ना उनके लिए बहुत स्पेशल है, जो रिपीटेड यूजर्स है उनको तो मैं काफी टाइम तक बताते ही रहता हूँ। ये देखो, ये न्यूटन स्कूल है, इवन आई एम फ्रॉम न्यूटन स्कूल गाइस। यहाँ पे आप लिटरली मतलब आप कोचिंग लो, काइंड ऑफ आप समझ लो कि आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आपको पूरा एकदम एग्जैक्ट ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और इंस्टीट्यूट में तो कुछ नहीं होता है गाइस, आपकी नॉर्मल जो इंस्टीट्यूशन होती है वहाँ पे कुछ एजुकेशन ज्यादा हो, इतना फोकस पे नहीं होता है, बट यहाँ पे फुल फोकस मतलब होगा। और आपका जब प्लेसमेंट करवा देगी ना यहाँ पे मतलब न्यूटन स्कूल, तभी आपसे कुछ चार्जेस लेगी, उसके पहले कोई चार्जेस नहीं लेगी। और प्लेसमेंट भी तो कैसी, 5 लाख और प्लस। ठीक है, 5 लाख और प्लस का प्लेसमेंट लगा तो भी गाइस, एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो टॉप कंपनीज जो कि इनको हेल्प करती है, तो मतलब जिनके साथ में इनका कोलैबोरेशन है। तो यहाँ पे कौन सी कंपनीज है, टॉपर है, अनअकैडमी है, लाइक गाइज आप देख सकते हो मीशो है, मीशो मतलब अपना यूनिकॉर्न हो गया गाइज, मतलब अनअकैडमी भी अभी यूनिकॉर्न लिस्ट में आने वाला है। ऑल्सो लेंसकार्ट है, शाओमी, शाओमी गाइज दिस इज द ग्रेट कंपनी। ऑल्सो यहाँ पे क्योरफिट देख सकते हो गाइज, यहाँ पे मैंने ड्रीम इलेवन भी देखी थी। ड्रीम इलेवन इज फॉर एग्जैक्टली फॉर फ्लटर, मतलब ड्रीम इलेवन पूरा फ्लटर के अंदर ही बना हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया कि फ्लटर में मतलब फ्लटर यूज करके कौन सी टेक्नोलॉजी मतलब बनी है, या फिर कौन सी व्हाट वी कॉल, कौन सी कंपनीज ने यूज किया है, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक, मतलब आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, सेकंड या फिर थर्ड वीडियो, सेकंड या फिर फोर्थ वीडियो होगा, आप देख सकते हो। ओके गाइस, फाइव फ्लटर, आई गेस फाइव फ्लटर के अंदर मैंने बताया वो, व्हाई टू चूज फ्लटर। हाँ,
ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ आप मेंटर्स देखो, यहाँ के क्वालिटी देखो गाइस, मतलब मेंटर्स कहाँ कहाँ से, गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, ऊबर से, अडोबी से, अमेजोन, सैमसंग, वीसा, जेपी मॉर्गन, टी शॉप, फ्लिपकार्ट, ओला, डेल एंड व्हाट नॉट गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैशाली थी, तो ये SDE है गोल्डमैन सैक्स से, एंड सेम थिंग इज मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट US से है SDE विशाल भैया, एंड कनिक भैया इज फ्रॉम लाइक गूगल US, ही सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर गाइज, आपको यहाँ पे बहुत खतरनाक मतलब मेंटरशिप मिलने वाली है, ऐसी मेंटरशिप नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं मिलती है, वैसे मिलती नहीं है कॉलेजेस में, मिलती नहीं है ऐसी मेंटरशिप, तो गाइज यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक ऑन अप्लाई फॉर फ्री गाइज, अप्लाई फॉर फ्री, आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा अप्लाई करने के लिए, कोई जीरो कॉस्ट अप्लाई करने के बाद, अप्लाई मतलब आपके जब तक प्लेसमेंट नहीं हो जाता तब तक आपका जीरो कॉस्ट है गाइस, जीरो कॉस्ट टिल प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के बाद में छोटे छोटे अमाउंट्स में आपसे थोड़ा थोड़ा लिया जाएगा, ओके गाइस, दैट इज फेयर इनफ, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन, एंड गाइस डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, थैंक यू।